गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जो है संपूर्ण मानव जीवन के जीने की एक कला है, जिसको आज जो है सो हमारी संस्कृति धीरे धीरे जो है सो भूलती जा रही है। लेकिन आज इस अथक प्रयास और इस नए रूप में गीता का जो है जिस तरह से अभी एक प्रचलन किया गया है और घर घर गीता का एक संकल्प लिया जा रहा है, उससे मेरे को लगता है कि जीवन में जितनी जिस तरह की आज आधुनिकताएँ और कठिनाइयाँ लोगों को बढ़ रही हैं, उनका सबका जो है तो समाधान इसी के अंदर है। हमें ये गीता प्राप्त करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमें कम से कम भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को कंठस्थ स्वरों से एक मधुर वाणी के रूप में सुनने को भी मिलेगी और हमको समझने का भी एक अवसर मिलेगा। धन्यवाद। आपके बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आज आपने गीता के बारे में हमें यहाँ पर कुछ बातें कही और निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण आपके घर पधारे हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके सारे जीवन के सारे दुख दूर हों और आप बहुत सुखी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और आप दूसरों को इसी तरह इस ज्ञान से परिपूर्ण करते रहें। दो शब्द आप भी कहें। बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही है गीता ये लेना तो अब सार्थक है जब हम इसको पूरा सुने और अपने जीवन में उतार पाएं। बिल्कुल अवश्य जरूर, आप ये ऐसी अद्भुत गीता है जिसे सुनकर भी आप इसके इसमें लिखी बातों का अनुसरण करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं और